हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है स्क्रू कंप्रेसर। सो यहाँ पे आपको देख रहे हैं मेल रोटर और यहाँ पे है फीमेल रोटर। सो ये जो है सक्शन दिख रहा है बट डिलीवरी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम एक और व्यू देखेंगे जिसके अंदर सक्शन भी है और डिलीवरी भी दिख रहा है। मैंने एक और व्यू बनाया है जहाँ पे मेल और फीमेल रोटर दोनों भी दिख रहे हैं, ये एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो स्क्रू कंप्रेसर जो है वो एक डायनेमिक कंप्रेसर है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दो हेलिकली मूविंग रोटर्स हैं। जो मेल रोटर है उसके पास लोब्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे चार लोब्स हैं, ओके। और जो फीमेल रोटर है उसमें गलीज है, ये जो दिख रहा है आपको ये है गलीज, ओके। और जो मेल रोटर है वो होता है ड्राइवर यानी कि ड्राइविंग रोटर, फीमेल रोटर होता है ड्रिवन रोटर, ठीक है। तो जब ये जो लोब है मेल रोटर का वो एंगेज होता है करस्पॉन्डिंग फीमेल गलीज में, ठीक है। और अभी वर्किंग देखते हैं, ये जो ड्राइविंग रोटर है जब रोटेट होता है तो एयर अंदर आ जाती है, और जो एयर अंदर आ रही है, जो एयर अंदर ट्रैप हो गई है वो क्या करती है, वो सीधे मूव होती है जो कि एक्चुअली और रेडियली भी, ठीक है, गोल गोल भी। तो ये रोटेशन ऑफ रोटर के वजह से जो एयर है वो कंप्रेस हो जाती है जब तक कि वो डिस्चार्ज नहीं हो जाती। तो जो नंबर ऑफ लोब्स हैं जो मेल में है और जो नंबर ऑफ गलीज है जो कि फीमेल में है वो अलग अलग है, उसके वजह से इन दोनों का जो स्पीड है वो भी अलग अलग होता है, ओके। तो अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ स्क्रू कंप्रेसर। सो यहाँ पे जो फ्लो है एयर की वो कंटिन्यूस है और यूनिफॉर्म है। जो पावर कंजम्पशन होता है वो बहुत ही कम होता है स्क्रू कंप्रेसर में, और इसमें जो हमारा ड्राइविंग रोटर है उसे कपल किया जाता है प्राइम मूवर से जो कि है इलेक्ट्रिक मोटर, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है क्योंकि मूविंग पार्ट्स भी कम है। सो ये था एडवांटेज और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमने देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।